Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इंटरनेशनल खिलाड़ी रहा हूँ, सेना के अंदर देश की सेवा की है 16 साल। अब मैं करना चाहता हूँ समाज सेवा। मैं चाहता हूँ कि मेरे युवा को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, रास्ते अच्छे हो जाएं। मैं खेल को प्रोत्साहन देना चाहूँगा। ये मैंने गांव में जिम लगाया अभी, ये 3 लाख रुपए का, और भाई फ्री सेवा है यहाँ बिल्कुल। मैं पूरी कोशिश करूंगा हर गांव में टंकी की व्यवस्था। और लगातार आप देख पा रहे हैं आईएसएन पर हमारी ग्राम पंचायत चुनाव यात्रा। आज हम पहुंचे हैं सोनपुर ब्लॉक के छुर गांव में, वार्ड नंबर 12 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव। यहाँ पर श्यामवीर तालियान जी लड़ रहे हैं और उनकी पत्नी धर्म पत्नी भारतीय तालियान यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। उनसे जानते हैं उनके मुद्दे क्या क्या एजेंडे हैं, किन किन चीज़ों को लेकर, किन किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में मैदान में उतरे। श्यामवीर जी को एशिया में गोल्ड मेडल में मिला हुआ है बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो यानी बॉडी बिल्डर भी हैं और गांव के अंदर पहले ही आते के साथ ही फौज से भी रिटायर होकर आए हैं। तो मैं आपको अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि दिखाइए कितनी ट्रॉफी लगी हुई है। फौज में भी बॉडी बिल्डिंग के लिए ही गए थे और फौज से रिटायर होकर जब आए तो अपने गांव के लिए सबसे पहले इन्होंने यही काम किया कि गांव के अंदर आते के साथ ही बच्चों के फिटनेस ठीक रहे, जिम यहां पर उन्होंने ओपन करवाया। देखो, मैं पहले कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूं। मैं श्यामवीर तालियान इंटरनेशनल खिलाड़ी रहा हूं। मेरा एशिया में एक बार गोल्ड मेडल है और एक बार एशिया में चौथी पोजिशन पर था मैं। और मैंने 16 साल सेना के अंदर नौकरी की है, सेना के अंदर देश की सेवा की है 16 साल। उसके बाद मैं सेवानिवृत्त होकर अभी लगभग 1 साल होने वाला है मैं घर पर आया हूँ अभी। तो पहले से ही मेरे मन में थी कि भाई देश के लिए कुछ करूँ। उसके लिए मैंने सेना में नौकरी करी, देश की सेवा करी, और अब मैं करना चाहता हूँ समाज सेवा। अब मैं अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कुछ ऐसे काम करना चाहता हूँ जिससे भाई युवा को आगे बढ़ने का मौका मिले, युवा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, भाई खेल के क्षेत्र में हो या फिर पढ़ाई के क्षेत्र में हो। सबसे मेरी ये सोच है कि युवा को ज़्यादा से ज़्यादा मैं सुविधा दे सकूं। मैं चाहता हूं कि मेरे युवा को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले जिससे युवा ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हों। भाई हमारे युवा कामयाब होगे तो हमें और क्या चाहिए। एक बाप के अगर बच्चे कामयाब हो गए और बाप को क्या चाहिए। और भाई माता पिता किसके लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, और बच्चे उनके कामयाब हो गए तो उनको और क्या चाहिए। देखो, गांव में घड़ूंचे तालाब की सफाई, नाली की सफाई, तो ये तो प्रधान सब करवाते हैं, तो ठीक है। हमारा फोकस है युवाओं के लिए कुछ ऐसा काम करें हम जिससे युवा कामयाब हों। अच्छा, रही दूसरी बात, भाई मैं खेल में रहा, खेल से जुड़ी मेरी भावना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में स्टेडियम हो मेरे क्षेत्र में, हर गांव में नहीं तो दो गांव में कम से कम एक जिम हो जिससे युवा फिटनेस पर ध्यान दे। कोई लड़का बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, वेट लिफ्टिंग करना चाहता है, उसको अच्छे प्लेटफॉर्म मिले। भाई मैंने अभी फिलहाल ही हाल ही में गांव में एक जिम लगाया अपने, उसमें 3 लाख रुपए मेरे लगे, मैं अपने पैसे से लगाया मैंने। हाँ, कि जो निधि के द्वारा आएगा, जो भी सदस्य को जो भी निधि मिलेगी उसके द्वारा होगा, वो तो हम पूरा लगाएंगे। मेरी सोच है चाहे मेरे जेब से कुछ पैसे लग जाओ, लेकिन मेरे युवाओं को कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म मिले, युवाओं को कुछ ऐसी सुविधा मिले जिससे वो कामयाब हो जाएं। भाई दिक्कत इससे पहले भी मेरे भाई रहे, इससे पहले जो जिला पंचायत थे उनके बारे में जो भी कहते हैं, भला बुरा जो भी कहते हैं, देखो जिला पंचायत का भी रास्ते अच्छे हो जाएं। जिला पंचायत का कार्य है भाई बाहर के जो गांव से खेत को रास्ते जोड़ते हैं, जो गांव से खेत के रास्ते जाते हैं कच्चे रास्ते, वे पक्के हो जाएं। अच्छा, और भाई मेरी तो सोच है, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो तो करवाऊंगा ही, वो काम तो करवाऊंगा जो उनसे जिला पंचायत का, मैं उससे हटके मैं खेल को प्रोत्साहन देना चाहूँगा। भाई हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, ठीक है, तो टैलेंट निखारने का उनको मौका मिले, उनके पास में प्लेटफॉर्म हो। इसलिए मैंने गांव में जिम लगाया अभी, ये 3 लाख रुपए का, और भाई फ्री सेवा है यहाँ बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ हर गांव में कम से कम एक ऐसा जिम हो जिससे लड़का शाम के टाइम में इधर उधर घूमने की बजाय, नशा पता करने की बजाय, वो एक टाइम एक घंटा अपने शरीर के लिए मेहनत करे जिससे वो स्वस्थ रहे। टंकी की व्यवस्था कुछ गाँव में नहीं है अभी भी। हाँ भाई, मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा हर गांव में टंकी की व्यवस्था हो, अच्छे पानी की व्यवस्था हो, ताकि
ताकि बीमार ना पड़े लोग, तो कम से कम अच्छे पीने के पानी की व्यवस्था सब गाँव में हो, मैं कोशिश करूंगा जहां तक मेरे से होगा। स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, मेरी ये भी एक सोच है भाई हमारे क्षेत्र में अच्छे हॉस्पिटल हों, सरकारी हॉस्पिटल हैं हमारे गांव में भी हैं, लेकिन उनमें भी कार्रवाई ठीक से नहीं हो रही, ठीक से उनका ट्रीटमेंट नहीं होता। डॉक्टर लगभग 9 बजे के करीब आते हैं और 2 बजे चले जाते हैं, उसके बाद अगर कोई बीमार हो जाए तो सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको ले जाया जाता है, और सबके पास में इतना बजट नहीं होता। तो मैं कोशिश करूँगा हमारे क्षेत्र में कम से कम 2-3 तो हॉस्पिटल ऐसे हुई कि जिससे आदमी के पास में, जिसके पास में बजट नहीं है, वो उनमें अपना ट्रीटमेंट करा सके, इमरजेंसी में दिखा सके। यातायात की व्यवस्था जब से मैं पैदा हुआ तब से ऐसी है भाई, हमारे गांव में पहले टेम्पू चलते थे, पहले रोडवेज बस चलती थी, लेकिन फिर जुगाड़ शुरू हो गए, फिर कुछ दिन जुगाड़ चले, अभी टेम्पू चलते हैं, टेम्पू या छोटा हाथी चलते हैं, उनमें बैठ कर आते हैं आदमी। तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी तो भाई युवाओं के लिए होगी, और दूसरे नंबर की होगी मेरी पढ़ाई के लिए, युवाओं को पढ़ाई का ऐसे प्लेटफॉर्म देना कि जिससे वो कामयाब हो जाए। आप क्या करेंगे कॉलेज? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं व्यवस्था सुधारूंगा, कॉलेज ऑलरेडी है हमारे क्षेत्र में, और जो जहाँ नहीं है वहाँ व्यवस्था कोशिश करूँगा करवाने की, ठीक है, और जो हैं उनमें वो ठीक, उनमें व्यवस्था ठीक कराई जाएगी। काफ़ी सारी चीज़ें आज भी आधी अधूरी हैं और काफ़ी सारी चीज़ों पर काम भी करना। शामिर जी का ये कहना है अगर मुझे जीत यहाँ से मिलती है बांटवारा से तो काफ़ी सारी चीज़ें आप देखेंगे बदलाव आएगा, और बदलाव की स्थिति में बहुत जल्द गांव आने वाले हैं 11, और बहुत सारी समस्या आज भी है यहाँ पर, पानी को लेकर हो या कॉलेज को लेकर हो या यातायात को लेकर हो, तो सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। और सबसे बड़ा जो मेन फोकस रहेगा वो फिटनेस पर रहेगा, खेल कूद पर रहेगा, क्योंकि खुद बॉडी बिल्डर होने की वजह से इनका ये कहना है कि युवाओं को प्रेरित करूँगा इस चीज़ के लिए कि आप लोग आ गए हैं। मैं भारती तालियान वार्ड नंबर 12 से जिला पंचायत सदस्य के सभी क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजयी बनाए, एक बार सेवा का मौका दे, हमारी जीत ही आपकी जीत होगी, धन्यवाद। मैं शीला देवी तालियान, मैं अपनी पुत्र बहू भारती तालियान को हाथ जोड़कर आपसे अपील करती हूँ, इसे सफल बनावें।